बारे में मैं आपके चैनल की वसादत से ये कहूँगा कि ये तमाम तर कोशिश हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है, बिलखसूस हमारे पटवारियों ने दिन रात एक करके ये काम किया है, डिजिटाइजेशन ऑफ जमबंदीज और अदर रिकॉर्ड्स। तो बहुत मेहनत और कावशों के बाद आज ये पासबुक बाजाबता तौर पर इजरा की गई और जिम्मेदारान को तकसीम की। मेरा नाम खुर्शीद अहमद है, मैं महाराजपुरे का रहने वाला हूँ और ये पासबुक लोगों को जो किए हैं गवर्नमेंट ने पटवारी हल्का साज महाराजपुरा का में बहुत अच्छा काम किया है और पहली बार ये पासबुक शो की है। गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। बिल्कुल जी, आपने सही फरमाया कि जो इस वक्त पूरी यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो डिजिटाइज किया जा रहा है। तो फर्स्ट फेज में जो जमाबंदीज को डिजिटाइज किया गया है और उसके बाद हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब राजौरी हैं उनकी हदायत पर तहसीलदार साहब थाना मंडी की जेरी निगरानी जो डिजिटाइजेशन का काम जो है वो शुरू किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं कि हमारे काफी सारे जो गांव हैं वो उनकी डिजिटाइजेशन जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है। इस सिलसिले में आज हमने जो है शुरुआत की है लैंड पासबुक की जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो हमने अपने पटवारी के थ्रू जो है वो मैसेज उन गांव के लोगों तक पहुंचाया कि जहां जिनकी पासबुक जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है। तो आज वो दिन आया है कि हमने पहली पासबुक जो है वो इशू कर दी है और हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आप इस डिजिटाइजेशन को लेकर आपने काफी हद तक जो है लोगों में अवेयरनेस फैलाई है। तो हमारा यही आपकी माध्यम से पब्लिक का भी मैसेज रहेगा कि जिस जिस गांव की पासबुक जो है वो इशू हो चुकी है वो आए अपनी पासबुक लें। और इसमें बड़ी बात यह है कि ये पासबुक जो है ये तीन जबानों में जैसे इंग्लिश है हिंदी उर्दू उसमें ये जो है वो डिजिटाइज की गई है और इसका प्रिंट आउट हमने ले लिया है। तो अब जमींदार को कहीं किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है, उसकी पासबुक जो है उसके पास है, उसके पास कितना भी जो लैंड बैंक है वो उस पासबुक के अंदर जो है वो लिखा हुआ है। तो मैं आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आके अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे पास आए और मैं आपकी उसात से पब्लिक को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप वक्तन फवक्तन जो है वो हमारा ताउन करते रहें और इसी तरीके से जिस तरह आज आपने आके हमारे साथ ताउन किया और आपने पासबुक हासिल की है इसी तरह से जो है वो फ्यूचर में भी आप करते रहें। Did you get to choose the university? I'm unable to find an university that meets my requirements. I want to go to a place that sets a futuristic pattern of education filled with ideas and radical performances. I want to live my dream. Dayanand Sagar University. Live the dream.